इमेजिन करो कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और दूर दूर तक गहरा समुद्र दिखाई दे रहा है। होराइजन कितना दूर तक जा रहा है और पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा है। ये है एक ब्लैंक स्लेट की ताकत, अ फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में ब्लैंक स्लेट से शुरू करना सिर्फ एक स्टेप ही नहीं है, ये जरूरी है अगर आप अपनी जिंदगी को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा आप एक्चुअली चाहते हैं कि आपकी जिंदगी हो। एक टाइम था जब मैं भी मानती थी कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, स्किल्ड नहीं हूँ या फिर लकी तो बिल्कुल नहीं हूँ। ये ठीक है, हम सब कभी ना कभी ऐसा फील करते हैं। मेरे लिए क्या बदला फिर? चेंज तब आया जब मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी ने मेरी लाइफ बदल दी। इस बुक से पहला लेसन जो मैंने सीखा था वो ये था कि हमें अपने पुराने बिलीव्स, फेथ, कंडीशंस, लिमिटेशंस को छोड़ना है और नई शुरुआत करनी है। जिंदगी सिर्फ सीखने, ग्रो करने और खुश रहने के लिए है। स्वागत है आपका सीरीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड में। पहले वीडियोस में हमने गहरी इंसाइट दी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करके हम मनी, अबंडेंस और लव पा सकते हैं। ये वीडियो है स्टेप वन पे, स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट। हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, इसके बेनिफिट्स और कैसे इसे प्रैक्टिस करें। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची से। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। जिंदगी क्लटर्ड हो सकती है। हमारे दिमाग में अक्सर हलचल रहती है जिसमें पुराने एक्सपीरियंसेस, लिमिटिंग बिलीव्स और सेल्फ डाउट भरा पड़ा है। ये थॉट्स अक्सर रुकावट बन जाती है, पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक कर देती है और हमें अपनी चाही हुई चीजों को अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल बना देती है। एक ब्लैंक स्लेट से शुरू करना मतलब इन मेंटल बैरियर्स को छोड़ देना, मतलब अपने दिमाग के ब्लैक बोर्ड को साफ रखना, शक, डर और अपनी क्रिएट की हुई अपनी लिमिटेशंस को मिटा देना। ये क्लेंजिंग एक्ट नए इंटेंशंस के लिए जगह बनाता है, जो हमें फोकस करने देता है जो सच में हमारे लिए मायने रखता है उस पर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी नई शुरुआत करने की हिम्मत से शुरू होती है। ब्लैंक स्लेट या फ्रेश स्टार्ट की पावर को एम्ब्रेस करें और देखें कैसे यूनिवर्स आपके सपनों को जीवित कर देता है। इसलिए समझते हैं क्यों ब्लैंक स्लेट से या नई शुरुआत से शुरू करना या अपने पुराने बिलीव्स और लिमिटेशंस को छोड़ देना जरूरी है। क्लियर्स मेंटल क्लटर। ब्लैंक स्लेट से शुरू करना मेंटल क्लटर को क्लियर करता है जो अक्सर पास्ट एक्सपीरियंसेस और लिमिटिंग बिलीव से आता है। ये थॉट्स पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं, जो आपके गोल्स को हासिल करने के प्रोसीजर को मुश्किल बना सकते हैं। इन पुराने बिलीव्स को छोड़कर आप नए एम्पावरिंग आइडियाज के लिए जगह बनाते हैं, जो आपको सच में मायने रखता है उस पर फोकस करते हैं। ये मेंटल क्लैरिटी आपको प्रिसाइज और फोकस इंटेंशन सेट करने देती है, जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को आपके डिजायर्ड आउटकम्स के साथ अलाइन करने को आसान बना देती है। अलाइंस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। फ्रेश स्टार्ट करके आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को उन पॉजिटिव आउटकम्स के साथ अलाइन करते हो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो आपके डिजायर्स हैं। ये अलाइनमेंट इंश्योर करता है कि आपके थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स जो आप चाहते हो उसके साथ क्लियरली रिजोनेट करें, जो आपके इंटेंशंस और यूनिवर्स के रिस्पॉन्स के बीच में एक पावरफुल कनेक्शन बनता है। इंक्रीजेस पॉजिटिविटी। ब्लैंक स्लेट पॉजिटिविटी को बढ़ाता है क्योंकि ये आपको नेगेटिविटी और अपने डर को छोड़ने के लिए एनकरेज करता है। ये प्रोसेस एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉस्टर करता है, जो नेचुरली अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। जब आप नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस करते हैं, आप वो चीजें अट्रैक्ट करने के लिए एक मैग्नेट बन जाते हैं जो आप चाहते हैं। फैसिलिटेट्स पर्सनल ग्रोथ। पुराने बिलीव्स को छोड़ने से पर्सनल ग्रोथ तो होनी ही है, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं अपने खुद के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस का पता लगाते हैं।
ये प्रोसेस आपको पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने और स्ट्रॉन्ग बनने का मौका देता है, जो आपको अपने आप का एक बेटर वर्जन बनने में हेल्प करता है। अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट करके आप इम्प्रूवमेंट के लिए एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यहाँ मेरे को इम्प्रूव करना है, और कॉन्शियस चेंजेस ला सकते हैं जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। एम्पावर्स चेंज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना शुरू करना बस एक बिगनिंग है लाइफ के नए एपिसोड की। नई शुरुआत करना चेंज को एम्पावर करता है, क्योंकि ये आपको नई कहानी को दोबारा लिखने का मौका देता है। ये सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस को हटा देता है जो आपको पीछे रोक के रखे हुए थे, जो आपको अपने सपने को फॉलो करने के लिए आजादी देता है बिना पास्ट के कॉन्स्टेंट्स के। ये आपको री इन्वेंट करने की फ्रीडम, नए अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंस के लिए दरवाजा खोल देता है। बूस्ट कॉन्फिडेंस। जब आप नया स्टार्ट करते हैं एक ब्लैंक स्लेट से, तो आप अपने डाउट्स और फियर्स को रिलीज कर देते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। जब आप इन लिमिटेशंस को छोड़ देते हैं, आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है और अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये नया कॉन्फिडेंस आपको अपने गोल्स की तरफ बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए एम्पावर करता है। एनहांसेस फोकस। क्लीन स्लेट से शुरू करके आपका अपने गोल्स पर फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। पास्ट में हुए फेलियर्स या किसी भी चिंता के डिस्ट्रैक्शंस के बिना आप अपनी एनर्जी को उन चीजों पर डायरेक्ट कर सकते हैं जो सच में मायने रखता है। ये लेजर फोकस इंश्योर करता है कि आप ट्रैक पर बने रहें और अपने डिजायर्स की तरफ कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करते रहें। प्रमोट्स इमोशनल हीलिंग। फ्रेश स्टार्ट करना इमोशनल हीलिंग को प्रमोट करता है, क्योंकि ये फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस को फैसिलिटेट करता है। पास्ट बर्डन्स को छोड़कर आप अपने आप को इमोशनल बैगेज से फ्री कर देते हो और नए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए जगह बना देते हो। ये इमोशनल रिलीज हीलिंग और ग्रोथ को एनकरेज करता है, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है खुले मन के साथ। स्ट्रेंथन्स मैनिफेस्टेशन पावर। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के अपनी गोल्स और डिजायर्स हासिल करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ब्लैंक स्लेट आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को अलाइन करता है और प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है क्लियर और कंसिस्टेंट इंटेंशंस के थ्रू। जब आप नया शुरू करते हैं, आप एक पावरफुल फाउंडेशन क्रिएट करते हैं लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए जैसी आप चाहते हैं। ये इंश्योर करता है कि आपके थॉट्स और एक्शंस आपके गोल्स की हार्मनी में हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को समझते हैं, हम ये ब्लैंक स्लेट का स्टेट कैसे अचीव कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक फेमस नॉवेलिस्ट जेके रोलिंग की सच्ची कहानी के साथ और गहराई से समझते हैं। जेके रोलिंग अपनी हैरी पॉटर बुक सीरीज के लिए फेमस है। वो अपनी लाइफ में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरी थी। फेमस होने से पहले उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किल टाइम आया। उनकी मदर की डेथ के बाद वो पोर्चुगल गई, शादी की और बेटी भी हुई, पर उनका डाइवोर्स हो गया और वो यूके वापस आ गई अपनी बेटी के साथ। पैसों की बहुत स्ट्रगल थी और वो काफी डिप्रेस भी थी। अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए डिटरमाइंड रोलिंग ने फ्रेश स्टार्ट करने का फैसला किया। उन्होंने राइटिंग के अपने पैशन पर फोकस किया, डाउट्स और पास्ट फेलियर्स को साइड में रखा। उन्होंने अपना टाइम और एनर्जी को उस बुक फिनिश करने में लगाया। रोलिंग ने अपने मैन्युस्क्रिप्ट पर बहुत मेहनत की। कैफेज में जाकर लिखती थी जब उनकी बेटी सोती थी। और तो और बहुत सारे पब्लिशर्स ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिरकार उनकी बुक पब्लिश हुई और वो बहुत बड़ी हिट हुई। उनकी कहानी सिखाती है कि फ्रेश स्टार्ट करना, डाउट्स को दूर करना और अपने सपनों को परसिस्टेंटली परस्यू करना एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस तक ले जाता है। लेकिन क्या इतना आसान है पास्ट को भूलना, आगे बढ़ना? आखिर हम इन बिलीफ और डाउट के साथ कंडीशन रहे हैं। ये सच में मुश्किल है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा ट्रांजिशन और ग्रोइंग के बारे में है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने का पहला स्टेप ये है कि क्लीन स्लेट से शुरू करो। तो समझते हैं कि हम इसे इजीली और ग्रेजुअली कैसे कर सकते हैं, कैसे क्लीन स्लेट से नया स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना सेल्फ रिफ्लेक्शन से शुरू होता है, क्योंकि आपके करंट बिलीफ को समझना और एक्नॉलेज करना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत क्रूशियल है। समय लें आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप उन लिमिटिंग बिलीफ जो आपको आपके डिजायर्स अचीव करने से रोक रहे हैं, जैसे अगर आपने हमेशा ये माना है कि आप प्रमोशन के लिए अच्छे नहीं हैं, तो समझें ये बिलीफ आपके एक्शंस और कॉन्फिडेंस को कैसे इफेक्ट कर सकता है।
पास्ट एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करें जो आपके माइंडसेट को शेप कर चुका है। शायद आपके पास्ट में फेलियर आए होंगे जो सेल्फ डाउट का कारण बने। इसे एक्नॉलेज करें, लेकिन इसे अपना फ्यूचर डिफाइन ना करने दें। इन थॉट्स को अवेयरनेस में लाके आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें छोड़ दें और नए एम्पावरिंग बिलीव्स को अपनाएं। फोकस ऑन फ्यूचर फीलिंग्स। ब्लैंक स्लेट का एक की कंपोनेंट है फोकस करना उन फीलिंग्स पर जो फ्यूचर में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस और इमोशंस को भूल जाएं। इमेजिन करें कैसे आप अपने डिजायर्स अचीव करेंगे और कैसा फील करेंगे। खुशी, पीस, फुलफिलमेंट और उन इमोशंस को आज अपने एक्शंस को गाइड करने दें। जैसे अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम करें तो फील करें वो सिक्योरिटी और फ्रीडम जो वो लाएगी। इन फीलिंग्स को आज कल्टीवेट करके आप अपनी एनर्जी को अपने डिजायर्ड आउटकम के साथ अलाइन करते हैं, जो आपको इजी बना देता है कि यूनिवर्स के इन एक्सपीरियंसेस को आपकी रियलिटी में लेकर आने। यूनिवर्स आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहा है आपकी फीलिंग्स के थ्रू। डीक्लटरिंग। अपने फिजिकल स्पेस को डीक्लटर करना आपके मेंटल और इमोशनल स्टेट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा मुश्किल होता है कोरिलेट करना, बट ये एक्सपीरियंस से ही समझ आता है कि जगह साफ सुथरी, टाइडी और ऑर्गेनाइज्ड होगी तो आप क्लियर माइंडसेट और फोकस्ड एनर्जी को लीड कर पाओगे। तो स्टार्ट कीजिए उन चीजों को छोड़कर जो आपको सर्व नहीं करती या खुशी नहीं देती। ऐसी स्पेस क्रिएट कीजिए जो आपकी मैनिफेस्ट की हुई जिंदगी को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो अपने ऑफिस या वर्क प्लेस से क्लटर हटाएं ताकि क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन के लिए जगह बन सके। जैसे जैसे आप अपना पुराना नई काम आने वाला सामान हटाते हैं, आप अपनी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस, नई पॉसिबिलिटीज के लिए रूम बनाते हैं। इमोशनल डीक्लटरिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है। जब गुस्सा, रिसेंटमेंट जो पास्ट में होल्ड कर चुके हैं उन्हें छोड़कर फ्रेश और क्लीन स्टार्ट करते हैं। सेट न्यू बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेट करना यानी अपना स्टैंड लेना। जो चीजें आपकी वैल्यूज, बिलीव और कंफर्ट के साथ अलाइन नहीं करती उनको अपनी लाइफ से हटा देना बहुत इम्पोर्टेंट है। नई बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है आपकी एनर्जी और फोकस को मेंटेन करने के लिए, जो आपके डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए काम आएगी। जैसे अगर आपको लगता है कि कुछ रिलेशनशिप्स आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं या आपकी प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे हैं तो उन इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्लियर लिमिट सेट करें। अपनी खुशी को, अपनी वेलबींग को प्रायोरिटाइज करके और अपनी सराउंडिंग्स को अपने गोल्स के साथ अलाइन करके आप एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो सक्सेस और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस को फॉस्टर करता है। ये क्लेम करता है कि आपने खुद को पहले वैल्यू करना शुरू कर दिया है। अपनी चॉइसेस खुद बनाने के लिए आप रेडी हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। क्लीन स्लेट से शुरू करने का पहला फंडामेंटल है जानना कि आप एग्जैक्टली क्या नहीं चाहते। नेगेटिव या टॉक्सिक लोग उनमें से एक हैं। पॉजिटिविटी से गिरना जरूरी है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं तो लोग, एनवायरमेंट और एक्टिविटीज के साथ एंगेज करना जरूरी है जो आपको अपलिफ्ट और इंस्पायर करते हैं। जैसे उन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं, आपकी ग्रोथ को एनकरेज करते हैं। पॉजिटिव कंटेंट जैसे मोटिवेशनल बुक्स, वीडियोस या पॉडकास्ट सुनो, जिससे आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो और अपने गोल्स पर फोकस रह सके। अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी से फिल करके आप उस एनर्जी को एम्प्लीफाई करते हो जो अबंडेंस और सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। एम्ब्रेस चेंज। लाइफ है, चेंजेस तो आएंगे और डर भी लगेगा, पर चेंज को अपनाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नई पॉसिबिलिटीज के लिए दरवाजा खोलते हैं। नई चीजें ट्राई करने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमेशा तैयार है। जैसे अगर आप हमेशा से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन फेलियर से डरते थे, तो सपने की तरफ छोटे छोटे कदम उठाएं, नए स्किल सीखें या ऐसे ही सोच वाले लोगों के साथ नेटवर्किंग करें। चेंज को ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी समझे और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए अडेप्टेबल रहे, उसके हिसाब से ढाले अपने आप को, अपनी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। याद रखें, चेंज अक्सर अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स लेकर आता है जो आपके डिजायर्ड आउटकम्स के साथ अलाइन करता है। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को पास्ट के बर्डन से फ्री करें और नए एक्सपीरियंसेस के लिए रूम बनाएं। इसलिए माफ करना और भूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद को और दूसरों को माफ कर देते हो तब उन ग्रजेस या रिसेंटमेंट्स को रिलीज कर देते हो
बच्चों को पीछे पकड़ के रखे थे, कहीं खटक रहे थे, ये आपकी ग्रोथ में अड़चने ला सकते हैं। ये इमोशंस रिलीज हीलिंग और ग्रोथ को एनकरेज करता है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस के लिए रास्ते खोलता है। सेलिब्रेट लाइफ, जिंदगी को सेलिब्रेट करना एक पावरफुल प्रैक्टिस है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट को रीइंफोर्स करता है और कंटिन्यूअस एफर्ट को मोटिवेट करता है। याद रखें कि आप डिजर्व करते हैं सबसे अच्छा, तो हर दिन छोटे छोटे मूवमेंट्स में खुशियां ढूंढें। जैसे अगर आप अपने गार्डन में खूबसूरत फूल देखा तो उस ब्यूटी को अप्रिशिएट करो, थोड़ा टाइम निकालो, वो फूल को देखो कितना सुंदर है, उसने आपको स्माइल कराया। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड और लव के मोमेंट्स को एंजॉय करें। जिंदगी को सेलिब्रेट करके आप एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं, जो आगे सक्सेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ब्लैंक स्लेट से शुरू करना या नई शुरुआत करना हमें अपनी कहानी को दोबारा लिखने की ताकत देता है। यह हमें नए इंटेंशन सेट करने और एक जिंदगी क्रिएट करने का फ्रीडम देता है, जो अबंडेंस, प्यार, जॉय से भरी हुई हो। एक क्लियर माइंड और फोकस दिल के साथ हम मैग्नेट बन जाते हैं, उन एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे सच्ची ख्वाहिशों के साथ रेसोनेट करती है। तो आप तैयार हैं ब्लैंक स्लेट के साथ शुरू करने के लिए? आपको क्या लगता है आपको क्या मुश्किलें आएंगी जब आप ब्लैंक स्लेट से शुरू करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा अपने व्यूज भी नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिएगा। पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा। मेरे ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन है जो आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूंगी, तो उसे भी जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।